ये बताएं, यमुना जैदी के साथ काम करना कैसा था? यमुना आई मेट, इट्स सो फनी, यमुना और शहजाद से मेरी मुलाकात हुई बिकॉज यू नो आई एम न्यूअर, दे ऑल नो इच अदर, बट हमारी मुलाकात हुई हम अवार्ड्स के, कैनेडा में जो अवार्ड्स हुए थे उधर उधर हुआ ये कि ऑल द एक्टर्स वर गोइंग आउट वन नाइट कि कैनेडा एक्सप्लोर करेंगे, टोरंटो एक्सप्लोर करेंगे. सिंस आई एम फ्रॉम द यू एस, तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे कैनेडा के, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें उनसे कनेक्ट करा देती हूँ, वो तुम्हें दे विल शो यू अराउंड. अच्छा, मेरी एक फ्रेंड अमेरिका से आई भी थी मेरे साथ ही, होटल में रह रही थी और उसका प्लान था कि वो मेरे साथ रहे, जब मैं अवार्ड अटेंड करूँगी तब वो चिल करेगी. उसके अलावा वी विल बोथ एक्सप्लोर कैनेडा टुगेदर, वी विल मेक अ वेकेशन आउट ऑफ इट. तो मैं और मेरी जो फ्रेंड है किरण, हम दोनों तो साथ थे ही, और फिर हमारा एक और फ्रेंड था हु वाज सपोज टू शो अस अराउंड. अच्छा, हमने देखा कि देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉयज ऑफ शोबिज, वो सारे कहीं जा रहे हैं. अच्छा, उसमें जो है यमुना को भी इनवाइट कर लिया गया. जब यमुना अपने रूम से नीचे आई तो हमने कहा हाउ अबाउट हम गर्ल्स एक गाड़ी में बैठ जाते, बॉयज आगे बैठ जाए. हुआ ये कि जब गर्ल्स गाड़ी में बैठी तो हम इन अ ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स हम सेपरेट हो गए, बॉयज कहीं और चले गए, गर्ल्स कहीं और चली गई. सो मी, यमुना, माई फ्रेंड किरण, इनकी हम यू सी हमारी पिक्चर्स भी हैं इंस्टाग्राम पे, मैं देखती हूँ यूट्यूब वगैरह पे लगी हुई भी होती हैं. तो मी, यमुना, किरण एंड आर फ्रेंड ऑफ दैट फ्रेंड ऑफ आर्स जो कि हमें शो अराउंड करा था, हम चार वी एंडेड अप टुगेदर. सो वी हैड अ वेरी गुड टाइम, हम जो है क्लब्स भी गए, बड़ा मज़ा किया, म्यूज़िक सुना, अपनी देसी जो है बातें की. मज़ा आता ना, आप देसी लोग हैं और आप बाहर एक परदेश के मुल्क में आए हुए हैं. सो वी रियली इन्जॉयड एंड दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम नोइंग यमुना. नाउ नेक्स्ट नाइट क्या हुआ कि मेरी कहीं चलते फिरते शहजाद से भी बात हो गई. अच्छा, सारे इतने सारे शोबिज के लोग हैं, सम हाउ मी, यमुना एंड शहजाद एंडेड अप टुगेदर इन कैनेडा. एंड मैंने कहा शहजाद तुम आओ मेरे साथ, यमुना तो आज आ ही रही है क्योंकि कल भी हमने हैंग आउट किया था, आज हम तीनों हैंग आउट करेंगे एंड आई विल शो यू कैनेडा. ठीक है, तो बड़े अच्छे से हम रेस्टोरेंट्स गए, वहाँ पे बेड्स थे, लाइक होल बेड दैट यू कुड चिल ऑन, और उनके यहाँ इंस्टेड ऑफ टेबल चेयर्स बहुत सारे बेड्स रखे हुए थे, और स्विमिंग पूल था और रूफ टॉप की जगह थी वो. तो वी हैड अ रियली गुड टाइम, मी, शहजाद, यमुना एंड माई फ्रेंड किरण एंड दोज अदर फ्रेंड्स जो वहाँ के थे, लेकिन शोबिज़ के हम तीन लोग थे. 2-3 months लेटर शहजाद एंड यमुना गेट कास्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, अब नाउ यमुना एंड शहजाद आर वेरी वरिड कि जो ये नेगेटिव वाली गर्ल है जो कि मॉडर्न वाली, ये किसको कास्ट करेंगे, बिकॉज समटाइम्स हमारी इंडस्ट्री में ये हो जाता है कि वो जो नेगेटिव या जो वो मॉडर्न वाली गर्ल होती है ना, वो कभी कभी मॉडर्न नहीं लग रही होती है, तो फिर उसका इम्पैक्ट ना, क्योंकि वो एंटैगनिस्ट है, उसका इम्पैक्ट प्रोटैगनिस्ट पे भी आता है. क्योंकि यमुना कह रही है कि मेरी जो स्टोरी थी वो स्टोरी ये है कि शी लुक्स अप टू दिस गर्ल, राइट? इफ द गर्ल इज लेट्स से नॉट एक्टिंग राइट और नॉट ड्रेस्ड अप वेल, तो फिर यमुना भी सिली लगेगी ना कि वाई इज शी लुकिंग अप टू दिस गर्ल, राइट? सो द वार्डरोब एंड द वे दैट गर्ल कैरीड हरसेल्फ वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे वर वेरी वरिड कि हु द प्रोडक्शन हाउस वाज गोना कास्ट. सो दे टुगेदर दे वर ऑन अ टेलीफिल्म प्रोजेक्ट एंड दे कॉल्ड, दे वर लाइक आप बताएं तो सही कि नेगेटिव में आप किसको कास्ट कर रहे हैं. सो दे वर लाइक कोमल से बात चल रही है. बोथ ऑफ देम गॉट वेरी हैप्पी बिकॉज हालांकि आई एम अ न्यू पर्सन, नॉट मेनी पीपल नो मी, बट बिकॉज ऑफ दैट कैनेडा इंसिडेंट वे लाइक कोमल, अच्छा फिर ठीक है. उन्होंने फोन रख दिया. सो व्हेन आई शोड अप दे वर लाइक हम आपको ऑडिशन करेंगे बिकॉज सिराज भाई वाज लाइक मैं ऑडिशन करूंगा बिकॉज ये जो मेरे लिए कैरेक्टर है ये He always said it कि ये character मेरे लिए बहुत important character है, ये एक तरह से backbone है drama का, because जो सारे twists आ रहे हैं ना drama में वो ये एक लड़की कर रही है. बिल्कुल, तो this character is very important and I cannot compromise on this. तो he was like ठीक है, ये line है, ये पूरी बोल के दिखाओ और ऐसे बोलो और English में बोलो, blah blah blah. So you did give an audition, आपने लिया था? And I gave an audition with Nomi. नोमी भी आया था. अच्छा, हम दोनों ने ऑडिशन दिया एंड दैट्स व्हेन सिराज भाई वाज लाइक डन, डन हो गई ये दोनों, ऐसे ही चाहिए थे मुझे. बट देन द प्रोडक्शन हाउस टोल्ड मी कि हाँ वो यमुना और शहजाद बार बार पूछ रहे थे एंड व्हेन वी सेड योर नेम दे गॉट वेरी हैप्पी. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम बिकॉज आई एम अ न्यू कमर. दे कुड हैव सेड कि नहीं, लाइक शी इज सो न्यू, इसको क्यों ले रहे हो, लाइक गेट समवन लाइक मच मोर ओल्डर और एस्टैब्लिश्ड और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, बट दे वर बिकॉज आई हैड मेट देम. आपने अपना जादू चला दिया था. और स्टोरी लाइन भी यही थी ना, मैंने कैनेडा में उनको शो अराउंड कराया था, पार्टी कराई थी उनको, तो यहाँ पे मैंने यही कराना था, तो दे वर लाइक ओके परफेक्ट, ये परफेक्ट है, ये सही करेगी. सो किस्मत हमें वापस दोबारा से हम तीनों को साथ लेकर आ गई.
अच्छा मुझे ये बताएं, सहबा की साइकोलॉजी को सोचा था कि ये क्या, ये क्यों कर रही है, कैसे कर रही है? यस, यू कैन सी इट इन द कैरेक्टर कि मैं उसका पूरा एक मैंने उसको बीच में, इट्स लाइक अ पेंटिंग, सहबा इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग. और उसमें मैंने ये किया था कि शुरू में आई ऑल्सो वॉन्टेड द ऑडियंस टू थिंक कि ये दो दोस्तों की कहानी है, एक मॉडर्न और एक, तो आई केप्ट इट दैट वे. मुझे यमुना कह रही थी कि तुमने बड़ा हंसते हंसते किया है इसको, मैंने कहा यार मैं एंड में करूंगी ना, लाइक शुरू से क्यों मैं अपना असल रंग एंड में दिखाऊं, बिकॉज दैट इज मोर एंटरटेनिंग फॉर द ऑडियंस एज वेल, यू नो आई एम एन एंटरटेनर एंड आई विल थिंक लाइक दैट. तो और एक कैरेक्टर की एक पूरी ट्रेजेक्टरी होती है, वो मैंने पूरी बनाई. एंड इनिशियली आई वाज लाइक, दोस्ती ऐसी होती है जब ख़राब होती है, शुरू में एवरीथिंग इज ऑल हंकी डोरी, इट्स ऑल गुड, एंड एकदम से फिर एंड में यू आर लाइक होली लाइक व्हाट. बट कोई कोई फ्रेंड्स, कोई क्लास में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कॉलेज या स्कूल के ज़माने जहाँ से आपने ये लिया? बिकॉज लाइक आई वुड सी आपके और यमुना के वो जो शुरू के सीन है ना, जब आप बोलिए क्लास पंक ना, अम्मा को बोलो तुम मेरे साथ, क्लास लंबी हो गई और मॉल चले गए, आई हैव डन दोज थिंग्स. और कितनी मुझे पता है हम आसपास भी कितनी लड़कियों ने ये किया हुआ है कि बहाने से इधर निकले, कोई गलत काम नहीं किया, मतलब लेकिन छोटी रोल कबाब खाने चले गए. तो ये कुछ कॉलेज के एक्सपीरियंस से भी बेस किया, कोई दोस्त थी जिस तरह जिससे वो लिया, ये सब खुद से? इट वाज अ पिगमेंट ऑफ माय इमेजिनेशन. I'm a creative and I really enjoy imagining things and conjuring up characters. Yeah, ye tha ki jo khud nahi kar saki wo ab main sehba ke karaun, because you said na aap bahut sharif thi throughout, amma baba ko koi chance nahi diya. Yes, bilkul chance diya, lekin ab diya na, ab acting kar li na, acting karke amma baba ko chance diya, but usse pehle yes. No, I think sehba, I just wanted people to be entertained by her. I just wanted ki wo जान और ड्रामे की, और वो जो है सारे कैरेक्टर्स को अपने साथ सपोर्ट करके, वो उसे सपोर्ट करें और सहबा उन्हें सपोर्ट करें, उस तरीके से हम चलें. एंड इट हेल्प्ड कि मेरी यमुना से बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो ऑफ कैमरा हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि ऑन कैमरा भी वो दोस्ती हमारी दिखती थी. एंड सिराज भाई ऑल्सो सेड इट कि यू नो लाइक फील हो रहा है कि ये दोनों लड़कियां दोस्त हैं. कभी कभी होता है ना, आप ऑफ सेट दोनों अलग अलग फ़ोनों पे लगे हुए हैं, और जैसे ही एक्शन हुआ तो फिर आप दोस्त प्रिटेंड करें, तो कभी कभी वो दिख भी जाता है कैमरे पे. तो वी वर सच गुड फ्रेंड्स, और हमारी इतनी मज़े की, और मैं उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, बिकॉज आई लव दिस अबाउट यमुना कि यमुना जब कोई कैरेक्टर करती है ना, तो वो ये नहीं सोचती कि यार मैं बुरी लग रही हूँ दिखने में, अच्छी लग रही हूँ. अगर उसने गरीब लड़की बनना है ना, तो वो पूरे तरीके से गरीब लड़की बनेगी. ये गरीब लड़की या एक स्ट्रगलिंग गर्ल किस तरह की ड्रेसिंग करती है, यू नो, इन अ लॉट ऑफ टाइम्स आप ड्रामे में देखेंगे कि हॉस्पिटल में लड़की है और पूरा मेकअप लगा के लेटी हुई है. यमुना अगर हॉस्पिटल में होगी तो वो बगैर मेकअप की होगी. यमुना ने अगर किसी गरीब रोल करना है तो उसने जिस तरह इसमें किया था कि चादरें लेनी है, उसके ऊपर दुपट्टा लिया हुआ है, यू नो, जिस तरह उसके घर वाले थे उसके हिसाब से, तो शी रियली डिड दैट, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्ड सहबा. सो आई यूज़ टू मेक फन ऑफ यमुना, बिकॉज यू नो सेट पे ऐसा होता था कि मैं, मेरी फुल तैयारी हो रही है, मेकअप आर्टिस्ट लगी हुई है, और मेरे बाल कर्ल हो रहे हैं, और यहाँ से क्लिप्स लग रही हैं, और मेरा इतना सारा सामान है, उसमें 50 तरीके के जूते हैं, 50 तरीके की एक्सेसरीज हैं, इतनी सारी शर्ट्स पैंट्स जीन्स ही मेरे पास, आई थिंक 10 डिफरेंट टाइप्स की जीन्स थी, जिसमें स्ट्रेट कट और यू नो लाइक मॉम फिट, बॉयफ्रेंड फिट, पता नहीं कौन कौन सी फिट्स की जीन्स. सो और उधर यमुना बेचारी होती थी, चादर, उसके ऊपर एक और दुपट्टा, ऐसे कपड़े पहन के. तो आई यूज़ टू मेक सो मच फन ऑफ हर, आई वाज लाइक करीब लड़की. तो मैं कैरेक्टर में ही रहती थी. अच्छा. जब हम यानी कट भी होता था ना, तो यमुना बेचारी ऐसी बैठी हुई होती थी, और मैं ठाक ठाक करके अपनी हील्स में आती थी, बोलती करीब लड़की, तो बोलती थी यार कोमल ऐसे तो नहीं बोलो मुझे. इस तरह का था हमारा. सहबा ने कभी वाकई दिल से दोस्ती की थी मुश्क से, या सहबा शुरू से ही अपनी किसी ईगो को सेटिस्फाई कर रही थी एक गरीब लड़की से दोस्ती करके? मुझे लगता है कि कोई भी कैरेक्टर ब्लैक और वाइट नहीं होता, कैरेक्टर्स ग्रे होते हैं. एंड आई थिंक उसको, शी इज लोनली, इफ यू सी दैट शी बिकेम नेगेटिव, बट उस कैरेक्टर का जो क्रक्स है ना, वो लोनलीनेस है. दिस गर्ल इज लोनली, शी डज नॉट गेट द काइंड ऑफ अटेंशन शी वॉन्ट्स. जिस बंदे से वो शादी करना चाहती है वो कैसा निकलता है, उसके अब्बू हमेशा बिजी होते हैं, उसकी अम्मी हाँ कभी साथ होती हैं, लेकिन अम्मी भी अक्सर किटी पार्टीज में बिजी होती हैं. शी इज एन ओनली चाइल्ड. दे हैव शोन ऑल ऑफ दिस, दे हैव एस्टैब्लिश्ड, महा मलिक हैज डन अ गुड जॉब एस्टैब्लिशिंग कि ये कैरेक्टर किस तरह से अकेला था. एंड उसके ऊपर उसका पैसा बहुत ज्यादा है, तो पैसे का गुरूर है. लोनलीनेस और पैसे का गुरूर एंड बींग पावर हाई, उसकी जो कॉम्बिनेशन बनी है वो सहबा है. तो सहबा लोनलीनेस की वजह से जो उसको दोस्ती करनी थी मुश्क से, उसे कहीं ना कहीं इंट्रीगिंग लगी थी मुश्क. ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, यू नो.
she was attracted to Mushk. Mm. She wanted to be friends with her. और शुरू में उसे बहुत ज़्यादा satisfaction हो रही थी कि ओ मैं इसकी इतनी help कर रही हूँ. You know, we all love helping people. Yeah. तो initially she was like, oh, I'm enjoying it so much. मैं इसकी help कर रही हूँ, मैं इसे गाड़ी चलाना सिखा रही हूँ, मैं इसे बता रही हूँ. And then something happened in her life, yeah. Right? The whole Nomi incident. और उसके बाद उसकी जो bitterness है ना, उसने मुश्क पे निकालना शुरू कर दी और मुश्क उधर खुश होना शुरू हो गई. तो यू नो सम पीपल, देयर आर सम पीपल नार्सिसिस्ट होते हैं वो, ठीक है. नार्सिसिस्ट को हर चीज़ अपने तरीके से चाहिए होती है और उन्हें हमेशा बेस्ट होना होता है, राइट. तो जब तक वो बेस्ट थी ना, तब तक वो सही थी. तब तक शी वाज लाइक, एज लॉन्ग एज मेरा अपर हैंड है और तुम्हारा लोअर हैंड है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी. और ये बहुत कॉमन है, दिस इज ट्रू फॉर सो मेनी पीपल. कि बहुत सारे लोग ना, जो हेल्पिंग भी जो लोग होते हैं, वो उस वक्त तक हेल्पिंग होते हैं जब तक उनका हाथ ऊपर हो, आपका हाथ नीचे हो. जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्प होते होते आप उनके लेवल पे आना शुरू हो जाते हो ना, दैट्स व्हेन दे आर लाइक नो. एंड दैट इज व्हाट सेबा डिड.